गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। आई एम यूर साइंस टीचर। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेकेंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, एनिमल्स मीन्स होता है जानवरों में। जानवरों में पोषण किस प्रकार होता है, ठीक है। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, इस चैप्टर के हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। यूनिसेल्युलर में कैसे न्यूट्रिशन होता है जीव में, वो पढ़ेंगे। ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है, और रूमिनेंट्स में किस प्रकार होता है। ओके, सो कम ऑन चैप्टर, सो अवर टू बी कंटिन्यू। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स और ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सो दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, और वो क्या करते हैं, दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स पे भी अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज फूड। इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मिश्रित रूप के ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाने को कंज्यूम करते हैं, विच इज ब्रोकन डाउन इन इट्स बॉडी टू रिलीज एनर्जी, और क्या करते हैं, उसे ब्रोकन डाउन मीन्स उस खाने को तोड़ते हैं अपनी बॉडी में एनर्जी लेने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन डिटेल। तो आप इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है एनिमल्स में डिटेल्स में। ओके, सो कम ऑन अवर फर्स्ट टॉपिक। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर। एवरीवन, डू यू नो व्हाट इज यूनिसेल्युलर? यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल। ओके, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा अमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल एक ही सेल होती है। इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट इन वाटर। वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, जो पानी पर तैरते हुए रहते हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जिन्हें हम खाली खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़ता है, ऐसे प्लांट्स खाता है, और ऐसे एनिमल जो पानी पर तैरते हैं। इन अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इन फ्यूसोपीडिया। जो अमीबा होता है वो खाने को फ्यूसोपीडिया द्वारा इंजेक्ट करता है, यूज करता है। वेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर एन अमीबा, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, इट इंजेस्ट दिस फूड पार्टिकल बाय सराउंडिंग इट विथ, और वो क्या करता है, उस फूड को अपने आसपास बिल्कुल कवर कर लेता है अपनी प्यूसोपीडिया द्वारा। द प्यूसोपीडिया क्लोज टू फॉर्म ए स्मॉल केविटी, और जो प्यूसोपीडिया होता है वो कैसा होता है, एक स्मॉल केविटी के रूप में होता है, कॉल्ड फूड वैक्यूल, जिसे क्या बोलते हैं हम, फूड वैक्यूल कहते हैं।
जो क्या करता है, इंजेस्ट फूड पार्टिकल इट डाइजेस्ट बाय द फूड वैक्यूल, जो क्या होता है उस खाने को अपने अंदर ले लेता है और उसे फूड वैक्यूल द्वारा डाइजेस्ट करता है। द फूड वैक्यूल कंटेन स्पेशल एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन दिस फूड। और जो फूड वैक्यूल होता है इस प्यूसोबीडिया के अंदर, उसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल इनटू अ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जो खाने को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। दिस सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोटोप्लाज्म। और जो सॉल्युबल फॉर्म होता है, जो सॉल्युबल फूड होता है बिल्कुल, उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेता है अमीबा के अंदर एंड एसिमिलेटेड इन प्रोड्यूस सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो जरूरत होती है उसे, उस प्रोड्यूस को वो क्या कर लेता है, जिसकी जरूरत होती है उस सब्सटेंस को एसिमिलेट करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। द अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रो बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है उसकी बॉडी के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।